पति का निरादर स्वीकार नहीं किया। देखिए कथा यह सिखाती है, कथा सुनने से यह मिलता है तुम्हें कि जिस जगह पर पति का सम्मान न हो वहां कभी जाना मत, कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर पति का सम्मान न हो। पर ऐसा हो तो पाए, सोता बंधु आज वो दोनों गण जब लौट करके पहुंचे हैं, भोलेनाथ ने कही कि सती कहां है? महाराज सती ने तुम्हारा निरादर स्वीकार नहीं किया, सती ने अपनी काया को भस्म कर दिया। भोलेनाथ रोए गए, तब कहा दोनों गणों से कि सती कुछ कह गई हैं? हां महाराज कह गई हैं, हमने अपने आंखों से देखा कानों से सुना कि महाराज दक्ष से ये कहा था कि तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा और तुम्हारा अंग भंग होगा, जाओ। उसी समय भगवान शिव जी को क्रोध आया है, अरे सती मैंने बार बार मना की क्या मत जाओ, पर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। तो आज क्रोध में आकर के त्रिपुरारी भगवान बैठे और करते क्या थे? अरे अब बैठी कहे त्रिपुरारी, सिर में थे जटा उखारी और खेच की जो धुनी में मारी, वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ। वीरभद्र, और जिस समय वो वीरभद्र गण पैदा हुआ, भोलेनाथ ने आदेश कर दिया कि बहुत जल्दी चले जाओ, राजा दक्ष का यज्ञ हो रहा है, यज्ञ को विध्वंस कर देना और शीश काट के पृथ्वी पर गिरा देना। आज दक्ष बहुत बड़े क्रोध में बैठे थे, सती के ऊपर तो वो नाराज थे और आज दक्ष के ऊपर आज भोलेनाथ नाराज है। विचार करना, सती को कितना समझाया लेकिन रो गए थे भोलेनाथ। राजन परीक्षित, जिस समय वीरभद्र गए थे महान क्रोध में, तो जहां राजा दक्ष का यज्ञ हो रहा था वहां सबसे पहले दरवाजे पर मिला कौन है? कौन मिला है? एक तरफ भृगु महात्मा बैठे थे, भृगु महात्मा बैठे थे और एक तरफ बैठा था पूसा। सो भृगु महात्मा की दोनों आंखों में दोनों उंगली कर दी, दोनों आंखें फोड़ दी। पूसा बैठा था बराबर में, खेच के घूसा मारो सो 32 दांत निकल दिए। बेटा तुम बात बंद नहीं करो यहां, और सब तगे नहीं त्यार नंबर हुए, सबसे आगे तुम बैठते हो बेटा तो बात मत करे करो।
राजन परीक्षित यज्ञ कुंड में पानी कर दिया था, यज्ञ विध्वंस कर दिया। राजा दक्ष बैठे थे ऊंचे आसन पर। आज वीरभद्र ने तलवार हाथ में लेकर के दक्ष महाराज का शीश काट दिया। यज्ञ रुक गया, यज्ञ विध्वंस हुआ। पर सुनो, ये यज्ञ कहां पर हुआ था वो आज भी जगह मौजूद है, कनखल में, उत्तराखंड में जो कनखल स्थान पड़ता है, ये यज्ञ वहां हुआ था। और उस दिन यज्ञ विध्वंस हो गया कनखल में, तो आज तक यज्ञ वहां होता नहीं है, अब भी नहीं होता है, सांप लगा हुआ है वहां पर। जब यज्ञ विध्वंस हुआ तो सब देवता विचार करते हैं, भैया बहुत गलत हो गया, यज्ञ अधूरा रह गया। और यज्ञ कभी अधूरा रहता नहीं है, कुछ भी करना पड़े, बाधाएं आती हैं, परेशानी आती हैं, कि हमेशा यज्ञ को पूरा कर देना चाहिए। अब भैया यज्ञ तो पूरा तभी तो होए, तब जब राजा दक्ष सामग्री चढ़ावे। विचार करना, ये यज्ञ जो तुम्हारे यहां चल रहा है, ये पूर्ण तभी होगा तब ये परीक्षक जी और यज्ञपति जी पूर्ण आहुति अपने हाथ से लगा देंगे, तब पूरा माना जाएगा। और आज पूर्ण आहुति लगाए दक्ष, कैसे बेदक्ष करते हैं द्वैठोर। तो आज सब देवता हाथ जोड़ के खड़े हुए, बोले नासिके के प्रभु यज्ञ अधूरा रह गया, राजा दक्ष के बिना यज्ञ पूरा नहीं हुआ। बोले नाथ ने कि अब तुम आ गए, बादना जा रहे सब सब पैर पैर के पजम्मा पई पई ससुरार को, तो काउ ने जेऊ कही के भैया इन्हें लेवा ले चलो इन्हें भी ससुरार है, प्रभु गलती है कि क्षमा करो। अब भोलेनाथ विचार करते हैं कि दक्ष जिंदा तो होए पर सती कही गई है कि अंग भंग हो। तब कही सुनो देवताओं, दक्ष जिंदा करना चाहते हो तो ऐसे नहीं होंगे, क्या करना होगा। अरे तुम उत्तराखंड पूछो, अरे तुम उत्तराखंड पूछो, ओ पकड़ाए को ढूंढ के लइयो, बकरा ढूंढ के लाओ। तो ध्यान रखना परीक्षक जी, बकरा ही क्यों मंगवाया? बकरा इसलिए मंगवाया कि बेई तो मैं ही राजा दक्ष में, जा दुनिया में जो कछु सो, और कोई मैं होती है बकरा में। देख लियो तुम मत मत जावे हो, पर मैं नहीं जावे। तो आज भगवान ने मैं को मैं से मिला दिया। आज बकरा का सिर कटवा करके और दक्ष के धड़ से जोड़ा। कितनी बड़ी सर्जरी थी, कितनी बड़ी चिकित्सा थी, आज कोई नहीं कर सकता इस चीज को। लेकिन दक्ष महाराज जिंदा तो भये और खड़े हुए, तो कंधा के नीचे तो बेई शरीर हो और मोह है वो बकरा को, सो भीतर तक जो कई वो चाहते, पर बुबाड़ी नहीं निकली जो पहले निकलती है। निकली तो कहा निकली, आज भी तुमने देखा होगा कि जब शिव तेरस पे और सावन के महीना में जब कावर भर के लाते हैं, कावरिया कावर भर के लाते हैं, तो बीच में दोहा बोल के बम बोलते हैं। ये बम सबसे पहले किनने बोली? सबसे पहले बोली राजा दक्ष। और बोली क्यों? कि अब वो ही है वो बकरा को, और कुछ निकली ना, बम ही बम निकली। क्या बोला? अरे बम्मा बम्मा और यन्नल बम्मा देखी, बम्मा बम्मा और ममलहरी, अरे बम्मा बम्मा और यन्नल बम्मा देखी, बम्मा बम्मा और ममलहरी, बम्मा बम्मा और यन्नल बम्मा देखी, बम्मा बम्मा और ममलहरी, बम्मा बम्मा और यन्नल बम्मा देखी, बम्मा बम्मा और ममलहरी, ऊंची मैं और तू अब्राहम देखी, यन्नल बम्मा और
ध्यान रखना। आपने देखा शिव तेरे उसमें कावर लाते हैं, डाक कावर, पर विचार करना मन में, ये बच्चे जो पढ़ते हो बेटा, जब तुम परीक्षा देते हो और सब सवाल गलत चले जाते हैं तो लाल पेंसिल पे 2 जीरो मिलते हैं। जिसके माता पिता मौजूद बैठे हों, जे कावर लातकाएं, जे 16 साल 18 साल 20 साल और 25 साल इतनी उम्र की, उनने कान में पूछो कि केवी वेल भलायो के अब के हम 5 ही बार लाए तो बाप को बाल्टी एक आधना भरी ना आवे। आवाज बंद, तुम्हें तय कर आ जाओ। तो सुनो, मैं नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं, मेहतारी को परस की रोटी खिलाई नहीं और बाप को बाल्टी भर के नभाया नहीं तो काबर चाह तुम्हें 21 चढ़ा देना, 00 मिलेगा बिल्कुल। सबसे बड़ी कावर तो तुम्हारे घर में, जिसके माता पिता जिंदा बैठे हों, उन्हें किसी कावर को चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ी कावर तो वो ही है। तो ध्यान रखना, माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, सबसे बड़ा कर्म होता है, उसे करिए पहले। आज दक्ष महाराज जिंदा हुए, यज्ञ पूरा हुआ, सती प्रसंग यहां पर समापन होता है। ध्यान रखना परीक्षित जी,